लड़की अच्छा है पेंटिंग खरीदी है तूने अच्छा क्या अच्छी है सफेद जी हाँ सफेद एक 5x4 फुट का सफेद कैनवस तसव्वुर कीजिए जिसका पस मंजर सफेद बल्कि निरी सफेद उसके ऊपर तिरछी सफेद लकीरें और शायद नीचे की तरफ एक और अफ्ती लकीर इनको देखते कैसे इनको सफेद लकीरों को भाई अगर पस मंजर ही सफेद है तो उनको नजर कैसे आता है यार बस आ जाती है क्योंकि वो पस मंजर से ज्यादा सफेद है या शायद कम सफेद की कई किस्में होती हैं सरनी की क्या बात है फुजूल की बहस शुरू कर दी मेरी बात तो मुकम्मल होने दो अच्छा ठीक है बोलो तो अब आपको अंदाजा हो गया पेंटिंग दिखने में कैसी है हाँ यार शायद अब आप अंदाजा लगाइए इस स्टूडियो कायम जाविया पर समीर ने कितनी रकम खर्च की होगी वो अभी तो तुम पेंटिंग के बारे में मुझसे बात कर रहे थे ये दूध का मजाविया क्या है भाई ओहो आप अंदाजन पेंटिंग की कीमत बताइए बाबा पेंटर कौन है शराजी क्या आपने कभी उसका नाम सुना है नहीं नाम तो नहीं सुना चलिए बताओ क्या फैशन में हमें मालूम था हमें मालूम था आप यही पूछोगे जाहिर सी बात है कोई जाहिर सी बात नहीं अरे बाबा बिल्कुल है तुमने मुझसे उस पेंटिंग की कीमत के बारे में पूछा और कीमत का एक दामदार ये है कि पेंटर कितने फैशन में है और मैंने आपसे उसका मफसर और मतलब तनकीदी जायजा लेने को नहीं कहा ना ही उसकी पेशावराना कीमत लगाने को कहा है फतवे तो ये जानना चाहता है कि आप किबला सलमान साहब एक सफेद टाट के टुकड़े के जिस पर सफेद धब्बे पड़े हो क्या कीमत अदा कीजिएगा बाबा लाना भेजो 5,000 50,000 75,000 बढ़ाइए मुझे नुकसान पहुंच रहा है उसकी इस हरकत ने इंतशार में मुब्तला कर दिया है तकलीफ हुई है वो हमारा दोस्त है हम उसकी फहम फरासत इस तरह लुटने नहीं देंगे